गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। आपको पता है हमारा पार्ट चार चल रहा है, जिसका नाम क्या है? बिस्मिल की बहर। एक पेज हमने कंप्लीट कर लिया था, उसका आगे वाला पेज आज हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, ओके? तो इस पार्ट के माध्यम से हमें क्या बताया गया है कि हमारे देश के प्रतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल पुरुष वर्ग ही आगे नहीं आए, बल्कि महिला वर्ग ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष में भाग लिया। और वह स्त्रियां भाग न ले पाई, अगर भाग न ले पाई तो उन्होंने क्या किया, किसी न किसी रूप में क्रांतिकारी भाइयों को संपूर्ण सहयोग दिया, उनका सहयोग किया, किसी न किसी रूप से उनका सहयोग किया, उनका साथ दिया। देश की आज़ादी के आंदोलन में हमारे देश की महिला भी पीछे नहीं रही। अगर वे आज़ादी के दीवारों के साथ घर की देहरी से बाहर जाकर सड़क पर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाए, तो भी उन्होंने उन दीवारों से के लिए छुपकर पैसा, हथियार और ठहरने की व्यवस्था की। तो उन्होंने क्या किया, छुप छुप कर अगर वे कंधे से कंधा मिलाकर सहायता नहीं कर पाए, उनका साथ नहीं दे पाए, तो उन्होंने क्या किया, छुप छुपा कर दीवारों के लिए क्या किया, देश की दीवारों के लिए छुपकर पैसा, हथियार और ठहरने की उनके लिए व्यवस्था करवाई थी। बहुत बड़ा भार अपने ऊपर ले रखा था। किसने ले रखा था? महिलाओं ने, स्त्रियों ने ये बहुत बड़ा भार अपने ऊपर ले रखा था। उन्हीं में से एक शास्त्री देवी थी। कौन थी? शास्त्री देवी, जो काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की सगी छोटी बहन थी। कौन थी वो? राम प्रसाद बिस्मिल की सगी छोटी बहन। उसका जन्म शाहपुर जिले में पंडित मुरलीधर के यहाँ हुआ। कहाँ हुआ था उनका जन्म? पंडित मुरलीधर के यहाँ हुआ, शाहजहाँपुर के जिले में, जो कट्टर आर्य समाजी थे। क्या थे? कट्टर आर्य समाजी थे। उनका विवाह मेनपुरी जिले के कोसमा गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ? मेनपुरी जिला था, वहाँ एक कोसमा नाम का गाँव था, वहाँ पर हुआ। शास्त्री जी अपने बेटे के साथ सर 1974 में मुझसे मिलने आए थे। कब आए थे? 1974 में, 1974 में वो मिलने आई थी, क्योंकि उनके खेत पर गांव के कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा था। किसने कब्जा कर रखा था? उसके खेत पर गांव के कुछ दबंगों ने, कुछ बदमाशों ने उसके जमीन पर कब्जा कर रखा था। जब उन्होंने मुझे बताया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की छोटी बहन है, उन्होंने बताया, उसने अपनी पहचान करवाई कि वह कौन है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की सगी छोटी बहन है, तो मैं बहुत प्रभावित हुई, खुश हुई और यहीं से चल पड़ी। उनके भैया की कहानी शास्त्री देवी ने बताई। किसने बताई थी? शास्त्री देवी ने उसने अपने भैया की सारी कहानी बताई कि वो कैसा था, उन्होंने क्या क्या किया देश के लिए, वो सब कुछ उन्होंने बताया। मेरी शादी मेरे भैया के सहयोग से कोसमा में हुई थी। तो उसकी शादी कहाँ पर हुई थी शास्त्री देवी की? कोसमा में हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? उसके भैया के सहयोग से हुई थी। कोसमा स्टेशन से लगा हुआ भी कोसमा गांव है। जब रेल लेट हो जाती थी तो भैया कोसमा गांव के देशभक्त बड़े जमींदार हाजियार खान के यहाँ कभी कभी रुक जाते थे। कहाँ पर रुक जाते थे? बड़े जमींदार थे, देशभक्त थे, जिसका नाम क्या था? हाजियार खान। वह वहाँ पे रुक जाते थे। जब मैं 11 वर्ष की थी, कितने वर्ष की? 11 वर्ष की थी, उली खान साहब व भैया ने मेरी शादी आर्य समाज पद्धति से ठाकुर परिवार में करवाई थी। भैया शादी के बाद कभी मेरे पास और कभी निकटवर्ती, मतलब पास वाले गांव चंदीकरा चले जाते थे। कहाँ पर? निकटवर्ती गांव था तो उसका क्या नाम था? चंदीकरा। वहाँ पर उसके भैया चले जाते थे। वहाँ उसके मित्र पंडित सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी रहते थे। उनके मित्र भी रहते थे जिसका नाम क्या था? चतुर्वेदी। पंडित सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी रहते थे, जो 1919 के मेनपुरी षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त थे। 1919 के मेनपुरी षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त थे। चंद्रिकरा गांव में एक शिव मंदिर था। क्या था? उस पर एक शिव मंदिर था, जो बड़े मंदिर के नाम के से आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध था। वो शिव मंदिर बहुत ही बड़ा था, जो बड़े मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था। आसपास के सारे इलाकों में वो क्या थे? प्रसिद्ध थे।
वहाँ पर एक संत स्वामी एकत्वानंद भी रहते थे। वहाँ एक संत स्वामी भी रहते थे जो ज्योतिष और गीता के मर्मज्ञ थे। क्या थे? ज्योतिष और गीता के मर्मज्ञ थे। भैया ने उसे उनसे गीता का सार जानने के बाद कर्म कर फल की इच्छा छोड़। क्या बताया था उन्होंने उनको? सार जानने के बाद कर्म करो और फल की इच्छा कभी मत करो। हमें क्या करना चाहिए? उनके कहने का मतलब है हमें हमेशा कर्म करने चाहिए और फल की प्रतीक्षा और इच्छा हमें छोड़ देनी चाहिए। वो अपने आप समय आने पर हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। तो कर्म करिए और फल की इच्छा छोड़ दीजिए। इस मूल मंत्र का को अपना लिया था। इस मूल मंत्र को क्या किया? अपना लिया था। देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देकर वे अमर हो गए। तो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया? बलिदान किया। और बलिदान देकर वह हमेशा के लिए अमर हो गए, जो सदियों तक याद किए जाएंगे। अमर होने का मतलब है वो कभी भी कुछ भी हमारे देश के लिए होगा, बलिदान की बात आएगी तो हम उनको सदियों तक या उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। उनके बारे में चर्चा होगी, उनकी बातें बताई जाएगी। उन्होंने आगे बताया, क्या बताया? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने 1914 में मैनपुरी में आर्य कुमार सभा नामक संस्था का गठन किया। किसका गठन किया? 1914 में मैनपुरी में आर्य कुमार सभा नामक संस्था का गठन किया। क्या नाम है सभा का? आर्य कुमार सभा। इस संस्था का उन्होंने गठन किया था। उसका उद्देश्य नवयुवकों को आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित करके भारत को ब्रिटिश हुकूमत से जल्द स्वतंत्र कराना था। उनका क्या था इरादा? कि उनका उद्देश्य था कि जागरूक नवयुवक, जो भी नवयुवक है, वो अपने देश के लिए लड़ाई करे, उसमें उनको शामिल करके भारत को ब्रिटिश हुकूमत से जल्द स्वतंत्र कराना था, आज़ाद करवाना था। यह संस्था गुप्त रूप से कार्य करती थी। यह संस्था का नाम आपको बता दिया, आर्य कुमार सभा था, जो गुप्त रूप से कार्य करती थी। मतलब किसी को कुछ भी बिना बताए ये अपना कार्य करती थी, इसलिए इसे गुप्त संस्था की भी कहा जाता था। आर्य कुमार सभा नामक संस्था नाम था और इसे गुप्त संस्था भी साथ में कहा जाता था। आर्य कुमार सभा के सदस्य बहुत जांच पड़ताल के बाद बनाए जाते थे। तो उसके सदस्य कैसे बनाए जाते थे? पहले उनकी जांच की जाती थी, जांच पड़ताल की जाती थी, उसके बाद में उनके बारे में सारी जानकारी, सारी पहचान उसके बारे में पता करके उसके बाद में उस संस्था में उनको जोड़ा जाता था, उस संस्था में उनको शामिल किया जाता था, ताकि इनकी योजनाओं का भंडाफोड़ न हो सके, ताकि ये योजना ये नहीं हो कि वह हमारे खिलाफ ही हो और कोई उनके लिए हमेशा पहले जांच पड़ताल करके उनको शामिल किया जाता था। इसी दौरान मातृ देवी संस्था की भी स्थापना हुई। साथ में इस दौरान क्या हुई? मातृ देवी नाम की संस्था थी, उसकी भी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में इसकी शाखाएं थी। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जिलों में क्या थी? इनकी शाखाएं थी। इस संस्था के चार भाग थे। कितने भाग थे इस संस्था के? चार भाग। तो उनके नाम कौन कौन से हैं? प्रचार, सेना, गुप्तचर तथा शिल्प। तो संस्थाओं के नाम क्या क्या है? प्रचार, सेना, गुप्तचर तथा शिल्प। ये चार संस्थाओं के विभाग थे। इन विभागों का उद्देश्य देशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने और विदेशी माल का बहिष्कार करने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? उद्योगों को प्रोत्साहन देने और विदेशी माल का बहिष्कार करने के लिए इनका उपयोग किया गया था। प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा देने के लिए और बहिष्कार मतलब इसका विरोध करने के लिए बहिष्कार करने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया, मैं ग्वालियर स्टेट से क्रांति के पुजारियों के लिए हथियार लेने जाती थी। क्या बताया फिर उसने? कि मैं ग्वालियर स्टेट से क्रांति के पुजारियों के लिए हथियार लेने जाती थी। मेरे साथ 4-5 क्रांतिकारी साधु या भिखारी के वेश में आगे पीछे चलते थे।
वह अपने असली वेश में नहीं जाते थे, वह रूप बदल के अलग अलग वेश में जाते थे, जैसे क्रांतिकारी साधु के वेश में, भिखारी के वेश में, ऐसे करके उनके आगे पीछे चलते रहते थे। चार पांच क्रांतिकारी भाई उनके आगे पीछे चलते रहते थे। मैं लहंगे की रीछे अपने पैरों में हथियार बांध लेती थी, वह अपने पैरों में क्या करती थी, हथियार बांध लेती थी, उनके हाथों में नहीं दिखा देता था, वह छुप छुपा के हथियार बांध लेती थी। ऊपर से चूड़ीदार कसा पजाया पहनकर पुलिस से बचते बचाते पैदल ही धौलपुर या भिंड होकर कोसमा आती थी। तो वह कैसे भी पुलिस से बच्चे बचाकर कैसे भी करके पैदल जाती थी, धौलपुर या भिंड होकर कोसमा आती थी। हथियार को बुर्जी या बिटोरा में छुपाकर रख देती थी। तो हथियार को कहाँ छुपा देती, या तो बुर्जी में या फिर बिटोरा में छुपाकर रख देती थी। आज हम इतना ही पाठ करेंगे। इसके आगे क्या हुआ था, वह कैसे पहुंची और क्या क्या हुआ, वह आपको अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जैसे कि हम इसमें हमने क्या देखा कि क्या क्या सीखा कि चंद्रिकरा गांव में एक शिव मंदिर था, वह एक बड़े आसपास के इलाकों में वो बहुत प्रसिद्ध था। वह एक संत रहते थे जिसका नाम था स्वामी एतवानंद रहते थे, जो ज्योतिष और गीता के मर्मज्ञ थे। भैया ने उसे गीता का सार जानने के बाद क्या बोला कि क्या सिखाया कि कर्म कर फल की इच्छा छोड़। इस मूल मंत्र को उसने अपना लिया, देश की आजादी के लिए अपना बलिदान देकर वे अमर हो गए जो सदियों अमर हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जो सदियों तक याद किया जाए, इस तरह उनको अमर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 1914 में मैनपुरी में आर्य कुमार नामक संस्था भी खोली थी, उसका गठन किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि नवयुवकों को आजादी की लड़ाई के लिए सम्मिलित करके ब्रिटिश हुकूमत से जल्द उनको स्वतंत्र कराना था। फिर उन्होंने एक संस्था खोली जिसका नाम क्या था, जो क्या करती थी, गुप्त कार्य करती थी, छुप छुपा के कार्य करती थी, जिसका नाम गुप्त संस्था भी बताया गया। ओके, इसके चार संस्था के चार विभाग भी थे, प्रचार, सेना, गुप्तचर और शिल्प। उसका उद्देश्य था उद्योगों का प्रोत्साहन देना और विदेशी माल का बहिष्कार करने के लिए किया गया था। उन्होंने फिर बताया कि ग्वालियर स्टेट में मैं ग्वालियर स्टेट से क्रांति के पुजारियों के लिए हथियार लिए जाती थी। मेरे साथ चार पांच क्रांतिकारी साधु और भिखारी के वेश में आगे पीछे चलते रहते थे। मैं लहंगे के नीचे अपने पैरों में हथियार बांधती थी और चूड़ीदार कसा या पजामा पहनकर पुलिस से बचते बचाते पैदल ही धौलपुर या भिंड होकर कोसमा आती थी। हथियारों को बुर्जी या विटोरा में छिपाकर रखती थी। ओके, तो ये हमारा थोड़ा पार्ट मैंने पढ़ाया आपको। इसके आगे वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। वर्क आपने कर लिया होगा। सबसे पहले मैंने भेजे थे नवीन शब्द और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ बातों में। इसके बाद मैं थोड़ा वर्क और भेजूंगी आपको, जो आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।